जैसे इंडिया में लाखों एक्सपोर्टर हैं, उसी तरीके से दुनिया में करोड़ों इंपोर्टर भी हैं। जिस तरीके से आप अपने लिए एक इंटरनेशनल बायर ढूंढ रहे हैं, उसी तरीके से दुनिया के किसी दूसरे पार्ट में बैठा हुआ इंपोर्टर अपने लिए एक जेन्युइन सप्लायर ढूंढ रहा है। जितनी मेहनत से आप एक इंटरनेशनल बायर को ढूंढते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत से एक इंटरनेशनल इंपोर्टर एक रिलायबल और जेन्युइन सप्लायर को ढूंढता है। जब आपको इंडिया के अंदर कुछ खरीदना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? आप ऑनलाइन फेमस वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट को चेक करते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं। उसी तरीके से जब किसी इंटरनेशनल बायर को कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है वर्ल्ड वन ऑफ द लीडिंग B2B क्रॉस बॉर्डर मार्केट प्लेस, जिसका नाम है Alibaba.com। Alibaba.com का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और Alibaba.com से आप सिर्फ इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट भी कर सकते। Alibaba.com पूरी दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग B2B मार्केट प्लेस है फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं प्रोडक्ट को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे मोर देन 47 लाख एक्टिव बायर्स हैं फ्रॉम 200+ कंट्रीज एंड रीजन, एंड इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर मोर देन 5 लाख इंपोर्ट क्वेरीज आती हैं। अगर आप एक स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस रन करते हैं तो Alibaba.com एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप अपने लोकल बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हो पहले ही दिन से। Alibaba.com पे इंडिया के बहुत सारे सप्लायर्स ऑलरेडी अपना स्टोर बना के इंटरनेशनल बायर्स को सेल कर रहे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि Alibaba.com का यूज करके किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने से पहले आप लोगों को एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस से जितना अलग है उतना ही सिमिलर भी है। जिस तरीके से एक लोकल दुकानदार अपनी दुकान को रोज खोलता है, चीजों को चेक करता है, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उसी तरीके से आपको भी अपने ऑनलाइन स्टोर्स को रोज खोलने की जरूरत होगी, परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की जरूरत होगी, और जहां पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपको चेंज भी करना पड़ेगा अपने ऑनलाइन स्टोर पे। जैसे कि किस तरह के प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, किस तरह के विजिटर्स आपके स्टोर पे आ रहे हैं। जितना आप अपने स्टोर पे समय बिताएंगे और चीजों को एनालाइज करेंगे, उतना ही आप अपने ऑनलाइन बायर को समझ पाएंगे। जो दिखता है वो बिकता है, ये सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस ही नहीं, ऑनलाइन बिजनेस में भी सिमिलर रूल लागू होता है। आप भी अपने ऑनलाइन स्टोर पे देख सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, उस प्रोडक्ट को और ज्यादा प्रमोट करिए और अपने इंटरनेशनल बायर का ट्रस्ट गेन करिए। जिस तरीके से एक लोकल दुकानदार अपने प्रोडक्ट को रोज साफ करता है, एक तरह के प्रोडक्ट को एक शेल्फ पर रखता है, उसी तरीके से आप लोगों को भी अपने ऑनलाइन स्टोर पे प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज करना है, प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल लिख के अपने बायर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल स्मूथ बनाना है। खाली दुकान यानी बिजनेस टप, ये ऑफलाइन बिजनेस में ही नहीं ऑनलाइन बिजनेस में भी सेम रूल लागू होता है। आप अपने ऑनलाइन स्टोर्स पे जितना ज्यादा प्रोडक्ट डालेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे, उतना ही बायर को ऐसा लगेगा कि ये एक लॉन्ग टर्म सप्लायर है, ये एक ट्रस्टवर्दी सप्लायर है, एंड कल की डेट में ये अपना स्टोर बंद करके भाग नहीं जाएगा। अब आपको ये तो पता लग गया कि आपको ऑनलाइन स्टोर किस तरीके से चलाना है, तो आइए जानते हैं आप Alibaba.com पे किस तरीके से अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप लोगों को Alibaba.com पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये बहुत ही आसान है, बट यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स है जिसका ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करें तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप सारी डिटेल्स बहुत ही एक्यूरेट तरीके से फिल करें। ये बहुत जरूरी है ताकि आपके पोटेंशियल बायर को आपके ऊपर ट्रस्ट गेन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। आपको अपने स्टोर का सेटअप प्रॉपर क्लीन और प्रोफेशनल तरीके से करना है। हाई रेजोल्यूशन फोटोज एंड वीडियोज एंड टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन डालना है। ये बायर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत स्मूथ कर देता है, बहुत कम कर देता है। एंड ये कुछ बेसिक स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अब आप बिल्कुल रेडी हैं इंटरनेशनल बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। Alibaba.com बहुत सारे पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने स्टोर को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके, एनालाइज कर सके एंड बायर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। Alibaba.com का गोल्ड मेंबरशिप आप लोगों को बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड बायर को लगता है कि ये एक ट्रस्टेड सप्लायर है, और बायर का जो है आपके साथ डील करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं Alibaba गोल्ड मेंबरशिप के साथ। Alibaba.com का RFQ टूल आप लोगों को जरूर यूज करना चाहिए। इस टूल के जरिए आप डायरेक्ट बायर को कोटेशन भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है इस प्लेटफॉर्म पे न्यू बायर्स को एक्वायर करने का। ये टूल्स मिलकर आप लोगों को एक बहुत अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, एंड आपके पूरे के पूरे ऑनलाइन जर्नी को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर देता है, एंड आपके कस्टमर के बाइंग एक्सपीरियंस को भी बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है। अब आपको अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इन सबके बीच में स्टैंड आउट करे। आपको अपने स्टोर में हमेशा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड वीडियोस का यूज करना है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल डालना है, हो सके तो अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी डालना है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी और ब्रांड इमेज को बहुत बूस्ट करता है इंटरनेशनल बायर्स के बीच में। आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स को कवर करना है कि ये किस चीज से बना है, कैसे यूज होता है, साइज क्या है, कलर क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, सब
कुछ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है अपने ऑनलाइन स्टोर पे। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक गोल्डन रूल होता है कि आपको उस प्लेटफॉर्म के सर्च एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Alibaba.com के केस में भी आप लोगों को उसका सर्च एल्गोरिदम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल में कीवर्ड्स, प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज़ करना है। जितना प्रॉपर और जितना एक्यूरेट कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन टाइटल्स में, उतना ही आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगा इस प्लेटफॉर्म पे। अब आपने स्टोर क्रिएट कर लिया, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया, प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस वगैरह अपलोड कर दी, अब बारी आती है प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने की। Alibaba.com बहुत सारे पावरफुल एनालिटिक्स टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, किस तरह के बायर्स आ रहे हैं, किस तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स पे आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप लोगों को इन टूल्स का यूज़ करके प्रॉपर डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना है। आप लोगों को देखना है कि किस तरीके के बायर्स आ रहे हैं, किस तरीके का कन्वर्जन हो रहा है, किस तरीके का ऑडियंस आपके स्टोर पे विजिट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देख के आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्लान को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं अपने स्टोर्स के लिए। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपने खरीदने से पहले एक बार कस्टमर रिव्यूज़ तो जरूर देखा होगा। एज अ सेलर आप लोगों को भी अपने कस्टमर का रिव्यूज़ देखना चाहिए कि कैसे पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पर नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। जिस प्रोडक्ट पर आप लोगों को पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट पर आप लोगों को नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं तो उस रिव्यूज़ को आप सीरियसली लीजिए और प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव करिए फ्यूचर में। दोस्तों, आज के डे एंड एज में ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया और Alibaba.com जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं या अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो Alibaba.com आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया पावरफुल टूल है। ये एक ग्लोबल B2B प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप लोगों को बल्क में ऑर्डर मिलता है। यहाँ पे पूरी दुनिया से 200 प्लस कंट्रीज एंड रीजन से यहाँ पे इंपोर्टर्स आते हैं एंड रेगुलर यहाँ पे 500,000 से ज्यादा इंपोर्ट क्वेरीज आती हैं। बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे अपना सेल कर रहे हैं और अपने लोकल बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। साइन अप करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का यूज कर सकते हैं, पहले ही दिन से अपने लोकल बिजनेस को ग्लोबल लेके जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को Alibaba.com के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि Alibaba.com से आप इंपोर्ट ही नहीं, इंडिया में बैठ के एक्सपोर्ट कर सकते हैं मोर देन 200 कंट्रीज एंड रीजन में। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।